नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मन मुटाव किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस आलाकमान की लाख कोशिशों के बावजूद भी दोनों के बीच की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब दोनों के समर्थकों के बीच गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल निकाय चुनाव के बाद जीते हुए पार्षदों की चल रही बाड़ाबंदी में भी गुटबाजी दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक मामला सीकर जिले के खाटू श्याम जी में सामने आया है। दरअसल यहाँ चुरू की सरदार शहर नगर पालिका के लिए चुने गए कांग्रेस के पार्षदों की बाड़ाबंदी की गयी है। यहाँ मौजूद कांग्रेस पार्षद आपस में ही भिड़ गए। इनमें एक गुट गहलोत और दूसरा पायलट से जुड़ा हुआ है। दोनों गुटों के पार्षदों के बीच जमकर पथराव भी हुआ। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन किसी भी पक्ष ने किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। विवाद के दो कारण सामने आ रहे हैं। इनमें निकाय प्रमुख पद के उम्मीदवार को लेकर नामांकन और दूसरा एक गुट द्वारा जबरदस्ती दूसरे गुट के पार्षद को अपने पक्ष में करने की कोशिश बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सरदार शहर से जीते कांग्रेसी पार्षदों की बाड़ाबंदी खाटू श्याम जी में गोल्डन वाटर पार्क के पास धर्मशाला सावरथिया में की गई है। इस दौरान बाड़ाबंदी में बंद दो पार्षदों को लेने के लिए सरदार शहर से कुछ लोग खाटू श्याम जी पहुंचे। इससे दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट हो गई। धर्मशाला में ठहरे पार्षदों ने बाहर खड़े लोगों पर पत्थर फेंके। मारपीट की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी पूजा पूनिया मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास किया। बाहर से आए लोगों ने धर्मशाला में बंद दो पार्षद शिव भगवान सैनी और राजकुमारी को अपहरण कर लाए जाने का आरोप लगाया। इस पर थानाधिकारी ने धर्मशाला के अंदर उपस्थित उन पार्षदों के बयान लिए। इस पर पार्षदों ने स्वेच्छा से वहां रुके रहने की बात कही। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ रिंगस भी मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था बनाई। बताया जा रहा है इस बाड़ाबंदी में कांग्रेस के दो गुट हैं। इनमें एक गहलोत और दूसरा पायलट समर्थक है। दोनों गुट पार्षदों को अपने अपने पक्ष में एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मशाला में ठहरे पार्षदगण पायलट के गुट हैं, जबकि बाहर विरोध जता रहे गहलोत गुट के हैं। रिंगस पुलिस उपाध्यक्ष बनवारी लाल धायल ने हालात को देखते हुए अतिरिक्त जाप्ता लगाकर दोनों गुटों को पाबंद किया है। अभी तक इस मामले में किसी भी गुट ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। मतलब है कि अभी तक निकाय प्रमुखों के चुनाव नहीं हुए हैं। अपने अपने गुट के निकाय प्रमुख बनाने के लिए पार्षदों की बाड़ाबंदी की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।